वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। हमने उसमें विद ग्राफ और विद इक्वेशंस देखा था कि बिग ओ क्या चीज है, बिग ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, स्मॉल ओमेगा को हमने डिफाइन किया, स्मॉल ओ को हमने डिफाइन किया। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पहले तो ग्राफ देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ। जिस तरह हम जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन थी उसमें हम कह रहे थे कि हम किस तरह जनरली एन की फॉर्म के अंदर यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हमारा जो फंक्शन, उसकी ग्रोथ होती है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये ग्राफ देखें, हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और हॉरिजेंटल लाइन इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एन को। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ऑफ वन, इसका मतलब है कि यहां पे अगर आप देखें, मैं कोई टाइम देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं वन टू थ्री, आसान लफ्जों में समझाने के लिए थ्री फोर और फाइव, इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बना देता हूं। आप देखें, इसका मतलब कि इतनी जब इनपुट होगी हमारे पास, कोई भी इनपुट है, तो ये जीरो ऑफ वन का क्या मतलब कि कॉन्स्टेंट टाइम में जैसे जैसे इनपुट बढ़ रही होगी वैसे वैसे टाइम भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होगा उसी प्रोपोर्शन से। इसी तरह ओ लॉग एन, ओ लॉग एन का मतलब एन जो भी होगा उसका अगर हम लॉग एन लें तो जिस तरह से वैल्यू बढ़ रही होगी उसी तरह से हमारा यहाँ पे टाइम भी बढ़ता जाएगा। और फिर ये ओ अंडर रूट एन, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन स्केयर, एन क्यूब, एन की पावर एन। आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता जा रहा है। मसलन मैं कहता हूं कि मेरे पास जो एन है वो इक्वल टू, या कोई भी कह लें एक फंक्शन है, ठीक है, वो जो फंक्शन है उसकी जो भी मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एन आया। अब आप देखें एन तो पहले आता है यहां पे, अगर एन देखें एन पहले है, अगर फिर मैं कहूं फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्केयर, या इसी को इक्वल टू कर देता हूं एन स्केयर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे एन स्केयर है, यानी ओ एन के बाद ओ एन स्केयर है। इसका मतलब है कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि टाइम की जो हमारा फंक्शन है जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जा रही है हमारा टाइम भी बढ़ता जा रहा है। किस तरह बढ़ता जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा, क्वाड्रेटिक बढ़ रहा होगा, स्केयर की फॉर्म में बढ़ रहा होगा, तो वो हमारे पास जो भी ये नंबर आएगा उससे पता लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एन स्केयर है किसी चीज की, मैंने कहा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केयर है, तो इससे यहां पे हमारा मुराद क्या होगा कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रही है टाइम उससे डबल बढ़ रहा है। मसलन एन की वैल्यू टू है तो एन स्केयर क्या हो जाएगा फोर, एन की वैल्यू थ्री है तो एन स्केयर क्या हो जाएगा थ्री की पावर टू नाइन, इसी तरह n की पावर n 5 है तो n स्केयर क्या हो जाएगा 25, कि यानी इस प्रोपोर्शन में ये बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह अगर वो खाली मैं कह देता हूं n क्यूब है तो आपने देख लेना है, अगर n 2 है तो n क्यूब क्या होगा हमारे पास 8 होगा। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ है। इसको हम एग्जाम्पल से भी आगे करेंगे और आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी वहां पे। ये एक आपके सामने बिग ओ का ग्राफ जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, इस इक्वेशन को भी हम देख चुके हैं। जब हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था तो हमने अभी कहा था इसको हम इग्नोर करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको हम देखेंगे एफ ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ जी एन का क्या मतलब है। बेसिकली मतलब इसका यह है कि बिग ओ हमें पता है वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस से मुराद के जो हमारा फंक्शन दिया गया होता है हम कहते हैं हम उसका मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि उसको सॉल्व होने के लिए या उसको भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम अपर बाउंड को कंसीडर करते हैं। बिग ओ में अपर बाउंड को कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। यहां पे आप देखें ये जिस तरह, अगर फॉर एग्जांपल जो मैं रेड लाइन ड्रा करता हूं ना, मेरा ये फंक्शन है, ठीक है, ये जो रेड लाइन है मैंने इसके आगे लिख दिया फंक्शन। अब इसका जो अपर बाउंड है वो आप देखें, अपर बाउंड ओ ऑफ अंडर रूट एन भी है, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन स्केयर, ये सारे इसके अपर बाउंड है। हमने जो क्लोजर अपर बाउंड है वो कंसीडर करना है। तो इस वाले केस में ये वाला क्लोजर है, यानी सबसे क्लोज हमारे फंक्शन के ये वाला अपर बाउंड है। तो हम कहेंगे हमारी इनपुट जब बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा जो टाइम है वो क्या है, स्केयर रूट एन की फॉर्म में बढ़ता रहेगा। कि इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पर एक और लाइन ड्रा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा फंक्शन ये है, यहां पर ये फंक्शन है, मैं इसके आगे लिख दिया एफ ऑफ एन। अब इसके जो मैं कहता हूं आपको कि इसका वर्स्ट केस या अपर बाउंड फाइंड करें, देखें इसका अपर बाउंड तो ऑफ एन है, यानी इसके सबसे करीब अपर बाउंड में देखें ओ ऑफ एन है, तो आप कहेंगे जो इसका अपर बाउंड है वो एन है। एन से मुराद के जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ रही है उसी तरह से हमारी जो टाइम है बढ़ता जा रहा है, कि अगर इनपुट टू है टाइम भी टू है, इनपुट थ्री है टाइम भी थ्री हो जाएगा, इनपुट फोर है टाइम भी फोर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इसको अपर बाउंड कहते हैं वर्स्ट केस में, जिसको हम देखते हैं। तो अब यहां पे हम ये देख लिए कि एक फंक्शन है, जब हमने उसका बिग ओ फाइंड करना होता है या वर्स्ट केस फाइंड करना होता है तो हम उसको इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन, यानी ओ हम लिखते हैं, ये बिग ओ है,
ओ का वर्ड साथ आ गया, इसका मतलब है ये कोई वर्स्ट केस होगा, मैक्सिमम टाइम होगा। वर्स्ट केस ही हम ज्यादातर फोकस करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में, क्यों करते हैं इसका आंसर भी आपको पहले वाला जो इससे पहले लेक्चर था उसमें मैं दे चुका हूं। वो वाला लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं सुना या देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी एक दफा जरूर देखिएगा। हम अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, यहां मैंने लिखा फंक्शन 2n² + n। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई फंक्शन है, हम कह चुके हैं अपनी इक्वेशन में, अगर आप यहां पे देखें कि जो फंक्शन है वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किससे, सी ऑफ जी से। यानी यहां पे आप ये ग्राफ देख लें बिग ओ का, ये जो फंक्शन है ये देखें फंक्शन नीचे वाली साइड पे है, यानी फंक्शन जो है वो लेस है जी ऑफ एन से, या आप कह सकते हैं सी जी ऑफ एन जो है वो ग्रेटर है इस फंक्शन से। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखें दोबारा लिख दिया फंक्शन इज लेस देन, वही वाली चीज, ये वाली चीज यहां पे दोबारा लिख दी गई कि लेस देन है। हम बिग ओ फाइंड करना चाह रहे हैं, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस की इक्वेशन क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल टू किस फॉर्म में लिखते हैं, ओ की फॉर्म में यहां पर लिख दिया कि हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ओ के साथ कोई हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, एन होगा, एन स्केयर होगा, जो भी होगा। अब हमने जब इस चीज को लिखना है तो फिर हम अपनी ओरिजिनल उसकी तरफ जाते हैं, किस तरह से इक्वेशन थी, एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है, फंक्शन क्या है, 2n² + n। ये देखिए यहां पे मैं ड्रा कर देता हूं इसको एरो, ये मैंने लिख दिया 2n² + n, आगे वही साइन आ गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, सी जी ऑफ एन, सी जी लिख दिया। एन क्या है, एन हमें अभी नहीं पता क्या है, एन हमने कहा कि हम देखेंगे जो नियरेस्ट अपर बाउंड है हमारे फंक्शन के वो। अब देखें हमारे पास नियरेस्ट अपर बाउंड से मुराद के उसकी जो नियरेस्ट बड़ी वैल्यू, वर्स्ट केस बड़ी वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रहा है एन स्केयर और एन, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एन इक्वल टू 10 है, कि एन इक्वल टू 10 है, तो फिर एन स्केयर इक्वल टू क्या होगा, एन स्केयर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर हमारा जो केस है हम कह सकते हैं कि एन स्केयर बड़ी वैल्यू है, तो वर्स्ट केस में हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे या ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि हमारे फंक्शन के सबसे करीब हो, टाइट बाउंड में हो, अपर टाइट बाउंड, क्योंकि बिग ओ को हमने कहा था अपर टाइट बाउंड उसमें हो। तो अब एन स्केयर और एन में बड़ी वैल्यू तो एन स्केयर है, तो हमने लिख दिया 2n² + n इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन स्केयर, कि ये एन स्केयर है। यानी ये वाला जो हमारा केस है इसमें जो हमारे पास वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन स्केयर आएगी, क्योंकि एन स्केयर बड़ी वैल्यू है। वर्स्ट केस में हमने यही देखना है कि ज्यादा टाइम किस में लगेगा, हमने देख लिया एन पे जो वैल्यू है एन स्केयर तो उससे डबल होगा, तो इसलिए हमने कहा यहां पे एन स्केयर होगा। अब एक चीज आ जाती है कि सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आप देखें अगर तो हम सी की वैल्यू 2 रखते हैं ना यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सी की वैल्यू मेरे पास 2 होगी, तो आप देखें यहां पे हो गया 2n² + n इज लेस देन इक्वल, यानी ये इस तरह से कुछ बन जाएगा 2n² + n इज लेस देन इक्वल टू 2n² अगर सी की वैल्यू 2 है। आप देखें यहां पे तो फिर कंडीशन होल्ड नहीं होती, ये दोनों तो बराबर हैं, जब उसमें n ऐड होगा तो ये वाली चीज यानी 2n² + 1 जो है वो 2n² से लेस तो नहीं होगा, तो कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर हम कहें कि हम सी की वैल्यू यहां पे जिस तरह मैंने रखा ना सी इक्वल टू 2, अगर मैं सी की वैल्यू 3 कर देता हूं ना तो फिर ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। आप यहां पे सी की वैल्यू यानी इस तरह बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहने दें, यहां पे कर लें 3n², अब n की कोई भी इसमें वैल्यू आप पुट करके देखें, जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो यानी वैल्यू ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बेसिकली हमने यही चीज इसके अंदर करनी होती है, वर्स्ट केस निकालना होता है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि वर्स्ट केस किस तरह से है। इस वाली एग्जांपल का मकसद ये था कि हमने इससे पहले के लेक्चर में देखते थे हर ग्राफ के नीचे ये लिखा था, लेकिन हम इसको नहीं डिफाइन कर रहे थे कि किस लिए है, तो अब आपको पता लग गया होगा ये किस लिए, कि हमने जो फंक्शन है उसको जब लिखना होता है बिग ओ में साथ हम ओ और उसके साथ इस तरह एक फंक्शन लिख देते हैं कि क्या होगा। अक्सर हमसे इस तरह पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में भी कि फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एन स्केयर प्लस 2n + 1, इसका अपर बाउंड फाइंड करें। अपर बाउंड का वर्ड आ गया तो आपने समझ जाना है कि बिग ओ की बात हो रही है, अपर बाउंड बिग ओ होता है यानी वर्स्ट केस की बात हो रही है। अगर लोअर बाउंड लिखा जाए तो आपने समझ जाना है कि बेस्ट केस की बात हो रही है। अब हम यहां पे लिखा वी नो डेट फॉर अपर बाउंड फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन, ये देखें यहां पे लिखा हुआ है फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन, किसमें, अपर बाउंड के केस में यानी बिग ओ के केस में।
वही चीज यहां पे लिख दी कि हमें तो पता है ये इक्वेशन याद है इसी तरह से है। अगर हम इसको लिखें तो यहां पे देखें वही चीज लिख दी गई, एन स्केयर प्लस टू एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू क्या था सी जी ऑफ एन। इसको अब क्या तरीका है, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले हमने एग्जांपल में देखा ना, हमने कहा उसकी वैल्यू थ्री रख लें तो वो इक्वल होगा। कई दफा बड़ी वैल्यू आ रही होती है, हमें बार बार देखना पड़ता है क्या वैल्यू रख लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होता है। तो उसका एक आसान तरीका यहां पे इस एग्जांपल में आपने क्या करना है, आपने देखना है इस इक्वेशन में बड़ी वैल्यू कौन सी है एन की। इसके अंदर इसमें तो कोई एन नहीं है, कॉन्स्टेंट है, यहां पर एक एन आ रहा है एन स्केयर। हमें ये देखते ही पता लग गया कि बड़ी वैल्यू जो है वो तो एन स्केयर है हमारे पास। अब क्या होगा, हम जब इसको लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो आपने जितनी भी वैल्यू है उनके साथ एन स्केयर ऐड कर देना। देखें पहली वैल्यू एन स्केयर थी ना, वो तो एज इट इज आ गई क्योंकि एन स्केयर बड़ी वैल्यू ही है। दूसरी वैल्यू टू एन था, हम टू एन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू एन स्केयर, जो बड़ी वैल्यू है हम वो ही लिखेंगे। देखिए टू के साथ हमने लिख दिया एन स्केयर, इसी तरह ये वन है, वन के साथ बड़ी वैल्यू क्या है, वन के साथ भी हम एन स्केयर लगा देंगे, वन के साथ भी हमने एन स्केयर लगा दिया। अगर ये वाली चीज तो ऐसे ही है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें, देखें एन स्केयर प्लस टू एन स्केयर प्लस वन एन स्केयर कितना हो गया, फोर एन स्केयर। इसका मतलब सी की वैल्यू हम फोर रखेंगे। अब हम सी की वैल्यू यहां पे फोर रख के एन की आप कोई भी वैल्यू डालें तो ये वाला जो पहले वाला पोर्शन है ये उससे लेस ही आएगा हमेशा हमारे पास। उसके बाद कह दिया कि लेस तो है लेकिन एन की वैल्यू हमने कहा ना कोई भी रख लें, कोई भी से क्या मुराद, फिर कोई हम कहेंगे क्या हम एन की वैल्यू जीरो रख लें, नहीं। अगर हम एन की वैल्यू जीरो रख लेंगे फिर तो ये सारा गलत हो जाएगा हमारे पास। किस तरह गलत हो जाएगा, देखें फोर के साथ एन की पावर जीरो, जीरो का स्केयर जीरो, फोर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें ये दोनों भी जीरो हो गई वन, ये तो फिर बन जाएगा वन इज जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो, कि वन जीरो से कम तो नहीं है, वन तो जीरो से बड़ा है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन वन, यानी एन की वैल्यू ना हमारे पास यहां पर वन से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह यहां पे लिख दिया नोट 2n इज लेस देन 4n स्केयर, हमें पता है यहां पे जो 2n था और ये जो 4n स्केयर आ रहा था उससे लेस है, 1 जो था वो भी 4n स्केयर से लेस था। किस लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, कि n जितने भी हैं n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 हम रखेंगे। तो अब इसका जो रिजल्ट है कंक्लूजन किस तरह से रख सकते हैं, थस एन स्केयर प्लस टू एन प्लस वन जो इक्वेशन थी, एन स्केयर प्लस टू एन प्लस वन इज लेस देन 4n स्केयर, ये हमने कहा कि 4n स्केयर से कम है। किस सूरत में, कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो अगर ये इससे कम है तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो O of n है वो n स्केयर होगा। देखें ये तो हमें देखते भी, अब कुछ लोगों के जेहन में सवाल आ रहा होगा कि तो देखते ही पता लग गया था कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, एन स्केयर बड़ी वैल्यू थी तो जाहिरी बात है एन स्केयर आना था। लेकिन हमने उसको एक प्रूफ करना होता है, एक कह लें कि एक सीक्वेंस से लेके चलना होता है। जिस तरह देखें ये कुछ स्टेप करके हमने बताया कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ऐसे वैल्यू डलेगी, जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने किस तरह से रिप्लेस किया और हमारे पास किस तरह से उसका रिजल्ट आया। तो बेसिकली इस तरह से हम अपर बाउंड फाइंड करते हैं, कि आपके पास पूछ लिया जाए, कोई इक्वेशन दे दी जाए कि इसका अपर बाउंड फाइंड करें, तो वो इस तरीके से होगा। अब यहां पे लाजमी नहीं एन स्केयर होता, हो सकता है इस तरह की इक्वेशन होती है आपके पास, एन क्यूब होता प्लस फिर हम कह लेते एन स्केयर कर लेते प्लस टू एन प्लस वन, कुछ इस तरह का कर लेते। अब देखें इस तरह का अगर केस आ जाता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी, हम वर्स्ट केस अगर निकाल रहे हैं तो वो तो एन क्यूब है ऑब्वियसली। फिर हमने क्या करना था, हमने जिस तरह इधर n स्केयर से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, फिर हमने हर चीज को कैसे लिख देना था, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हमने कैसे लिख देना था, हमने कर देना था n क्यूब, ठीक है, प्लस फिर अगर हमारे पास खाली n स्केयर था इक्वेशन के अंदर, हमने उसको भी फिर इसी तरह से n क्यूब के साथ चेंज कर देना था, जितने भी थे, यानी यहां पर अगर 2n था तो हमने इसको 2n क्यूब कर देना था, प्लस 1 के साथ भी हमने n क्यूब ऐड कर देना था। ये मैं बता रहा हूं अगर इस तरह की इक्वेशन होती ना, अगर आप इनको अब ऐड करें एन क्यूब प्लस एन क्यूब, टू एन क्यूब हो गया फोर, और ये हो जाना था फाइव एन क्यूब, फाइव एन क्यूब हो जाना था। हमने कहना था यहां पे जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास फाइव है, सी की वैल्यू फाइव होगी और हमारे पास जो वर्स्ट केस आना था वो आ जाना था ओ ऑफ एन क्यूब, के यानी ओ ऑफ एन क्यूब का मतलब ये होना था कि हमारी इनपुट एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जो हमारी आउटपुट होगी, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा वो उस एन क्यूब की फॉर्म में आ रहा होगा। मतलब अगर एन हमारे पास इनपुट टू है तो ओ एन क्यूब का मतलब एट, टाइम इस तरह से बढ़ रहा होगा हमारे पास। बेसिकली इस चीज को हम अपर बाउंड कहते हैं और इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है एक सीक्वेंस से। आप इसकी खुद से भी कोई एग्जाम्पल करके देखिएगा ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग इसमें डिवेल्प हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिवाइड एंड कंकर की। डिवाइड एंड कंकर क्या चीज है,
अब बेसिकली ये जो डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है, इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास कुछ एल्गोरिदम आ जाते हैं। जिस तरह अगर हम सॉर्टिंग की बात करें, हमारे पास मर्ज सॉर्ट आ जाता है, हमारे पास बाइनरी सर्च आ जाती है, हमारे पास क्विक सॉर्ट आ जाता है। तो ये हमारी ना डिवाइड एंड कंकर टेक्निक को यूज करते हैं। अब डिवाइड एंड कंकर के अंदर हो बेसिकली क्या रहा होता है, क्या है डिवाइड एंड कंकर? अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इट हैज फॉलोइंग स्टेजेस। किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। स्टेजेस क्या होती हैं? सबसे पहली स्टेज है डिवाइड। डिवाइड का क्या मतलब होता है, हम प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में, स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंकर। कंकर में क्या होता है, वो जो हमने डिवाइड में स्मॉल पीस में डिवाइड किए होते हैं ना, उनको सॉल्व ईच पीस बाय अप्लाइंग डिवाइड एंड कंकर रिकर्सिवली। रिकर्सिवली होता है रेपिटेशनली, एक काम का बार बार होना। हम वो जो पीसेस डिवाइड किए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं उन पीसेस को। उसके बाद कंबाइन हम उनको रीअरेंज कर देते हैं। ये एक अप्रोच है कि डिवाइड एंड कंकर के अंदर जो भी काम हो रहा हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हमारे पास बाइनरी सर्च है, इन सब के अंदर डिवाइड एंड कंकर की पॉलिसी पे अमल हो रहा होता है। तो अब हम मर्ज सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है और मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो अभी जो है हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट है क्या और उसकी बेसिक वर्किंग देखेंगे किस तरह से है। मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। जहां पे भी डिवाइड एंड कंकर टेक्निक आ गई, आपने समझ जाना है कि हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, फिर वो जो डिवाइड करेंगे पीसीज में, उनको वन बाय वन हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, फिर उनको हम कंबाइन करेंगे, यानी मर्ज कर देंगे उनको। मर्ज सॉर्ट में डिवाइड कैसे होगा, स्प्लिट डाउन द मिडल इंटू सब सीक्वेंस ईच ऑफ एन बाय टू। यानी हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल अरे दी गई, जाहिर बात है सॉर्टिंग है ना। अब सॉर्टिंग के अंदर यही करना है कि 1 से 10 तक नंबर हैं वो अनऑर्डर्ड हैं, तो हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। वो कि यानी पहले 10 9 अगर है हमारे पास लिखा और हम चाह रहे हैं 1 2 3 से शुरू हो 10 तक जाए, तो उस तरह से हम उसको सॉर्ट करना होगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जितने भी उसमें टोटल नंबर है, मसलन 8 है, हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 हो जाएगा। 4 नंबर एक साइड पे कर देंगे, 4 एक साइड पे कर देंगे, फिर हम दोबारा क्या करेंगे, वो जो 4 है उनको फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। यानी 4 को डिवाइड किया, 2 एक साइड पे हो गए, 2 एक साइड पे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं अभी। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सॉर्ट ईच सब सीक्वेंस बाय कॉलिंग मर्ज सॉर्ट। कि मर्ज सॉर्ट का जो प्रोसीजर है उसके तहत हम वो जो हमने डिवाइड किए होंगे, पीसीज बनाए होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी सॉर्ट आउट करेंगे। मर्ज एंड में क्या होगा, सॉर्टेड करने के बाद जो 2 सॉर्टेड सीक्वेंस होंगी उनकी हम एक सिंगल अरे बना देंगे, उनको एक सिंगल लिस्ट के अंदर कर देंगे। तो ये बेसिकली इसके अंदर इस तरह से होगा डिवाइड एंड कंकर मर्ज सॉर्ट का। तो अब देख लेते हैं मर्ज सॉर्ट को एक एग्जांपल से जो हमने बात की। देखें, इट यूज रिकर्सिव ड्राइव डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर की एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट। हमारे पास एक लिस्ट दी गई 38, 27, 43, 3, 9, 82 और 10। इसमें हम काउंट करते हैं कितने ये हमारे पास नंबर हैं, 1 2 3, फिर 4 हो गया, 5 6 और 7। हमारे पास ये 7 है टोटल, लेकिन हमने तो कहा उसको n बाय 2 करेंगे। यानी n बाय 2 अगर हम करेंगे, वो तो हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं, वो तो आएगा 3.5। अब हम 3.5 को किस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 आधे, 3.5 नंबर एक तरफ और 3.5 नंबर एक तरफ। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सील फंक्शन अप्लाई कर देना। सील फंक्शन, सील फंक्शन का क्या मतलब होता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू, 3.5 से ऊपर वाली जो हमारे पास पूरी वैल्यू होगी, यानी डेसिमल के बगैर जो वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 4। इसका मतलब हम एक साइड पे 4 एलिमेंट कर देंगे, एक साइड पे 3 कर देंगे, इस तरह से कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास 8 होते ना, फिर तो कोई इशू नहीं था, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाना था, दोनों साइड पे 4 हो जाने थे। ये अब हमारे पास 7 है, 3.5 आया, हमने सील फंक्शन लगाया, उसको हमने कर दिया 4, एक साइड पे 4 होंगे, एक साइड पे 3 होंगे। तो अब देखें, 4 एलिमेंट, 38, 27, 43 और 3, ये 4 एलिमेंट्स हमने एक साइड पे कर दिए, और 3 एलिमेंट यानी 9, 82 और 10 ये एक साइड पे हमने कर दिए, हमने डिवाइड किया। हम फर्दर डिवाइड करेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये सिंगल नहीं हो जाते। उसके बाद देखें, अभी 4 है, 4 को हमने डिवाइड किया, ये 2 में हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गए हमारे पास 2। ये कौन से 2, 38 और 27 ये हैं, और 43 और 3 ये हैं। अब ये 3 थे, इन 3 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, यानी ये हुआ 3 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हमारे पास आता है 1.5।
अब 1.5 तो नहीं हम कर सकते, हम इस पे भी जब सील अप्लाई करेंगे 1.5 के ऊपर तो वो क्या होगा 2, इसका मतलब 3 में से 2 एक साइड पे आ जाएंगे, 1 एक साइड पे। पहले 2 कौन से, 9 और 82, ये 9 और 82 हमने लिख दिए, ये जो 10 है इसको ऐसे लिख दिया। अभी भी ये सिंगल नहीं हुए, यानी फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 है, इन 2 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है वो अलहदा हो जाएंगे, एक 38 और 27 अलहदा हो गए, यहां पे 2 थे इनके क्या हो गया 43 और 3 हो गया, 9 और 82 थे, 9 अलहदा हो गया 82, और यहां पे ये 10 अलहदा हो गया हमारे पास। अब ये सारे डिवाइड हो चुके हैं, अब इनके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी अब इसको किस तरह से दोबारा हम मर्जिंग की तरफ चलेंगे, अपना मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम जिस तरह से वर्किंग करता है, उस वर्किंग के बाद अब देखें हमने क्या करना है, ये जो 2 थे ना हमने इनसे डिवाइड किया था, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, इनको कंपेयर करेंगे, इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले लिख देंगे, 38 और 27 छोटी वैल्यू क्या है 27, वो हमने पहले लिख दिया, 38 बड़ी है बाद में लिख दिया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 43 और 3 छोटी वैल्यू कौन सी है 3, 3 को पहले लिख दिया 43 को बाद में लिख दिया, इसी तरह 9 और 82 इसमें से छोटी वैल्यू 9 हमने पहले रहने दिया 82 बाद में, 10 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा देखें ये वही स्टेप है, देखें 2 था पहले हम 4 पे गए, 4 से 2 पे, 2 से 1 पे, अब क्या है हम रिकर्सिवली यानी हम अब हम उसको दोबारा उसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, 2 था देखें 1 था ना 1 से 2 पे गए, फिर 2 के बाद देखें आगे क्या था ये 4 में बना था, फिर देखें हम 4 पे चले गए, एक साइड पे 3 था वो 3 होगा और उसको कंबाइन करेंगे। अच्छा बहरहाल अभी इसको देखते हैं कि हमने ये कंबाइन कर लिए इस तरह से। अब अगर हम इनको चारों को करना चाहें, क्योंकि देखें स्टार्ट जब हमने किया था 4 में डिवाइड हुआ था ना, उसी तरह से अब इन चारों को अगर करें तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा 3 पहले आ गया, उसके बाद कौन सा 27 दूसरे नंबर पर 27 आ गया, उसके बाद 38 फिर 43 एक हमने सॉर्टिंग कर दी। अब फिर उसके बाद क्या है यहां पे अब हमने 9 82 और 10 सबसे कम वैल्यू 9 है, फिर हमारे पास 10 है, फिर 82 इस सीक्वेंस में लिख दिया, जिस तरह यहां पे जो 3 थे अब देखें ये उसी तरह से वो 3 हो गए हमारे पास कह लें सॉर्ट हो रहे हैं। अब एंड पे हमारे पास ये 2 लिस्ट आ गई, देखें जब स्टार्ट में भी हमने 2 बनाई थी, इन 2 हमने किससे बनाई थी एक मेन लिस्ट से, अब दोबारा उनको इकट्ठा कर देंगे किस तरह से कि इनकी सॉर्टिंग हो जाएगी। ये जो हम तरीका बता रहे हैं ना मर्ज सॉर्ट इस तरह से काम करता है, जो आपने मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम कभी पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, तो वो उसकी बेसिक वर्किंग इस तरह से थी। तो पहले हम वर्किंग देख लेते हैं फिर कंप्लेक्सिटी की बात होगी इसकी। अब हमने क्या है इसकी सॉर्टिंग करें, जो सबसे छोटी वैल्यू है इन दोनों लिस्ट में 3 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 10 आ जाता है, 27, 38, 43, 82 ये हमारे पास एंड पे वैल्यू आ गई कि ये लिस्ट थी, हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज की हमने, यानी डिवाइड किया फिर उसको जो भी उनके ऊपर ऑपरेशन किया और उसको कंबाइन किया, और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के अंदर जो मेथडोलॉजी हमने यूज की या जो एल्गोरिदम यूज किया इस एग्जांपल में, ये वो वाला एल्गोरिदम है जो कि मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम है, कि मर्ज सॉर्ट इस तरह से इसकी जो कह लें कि सॉर्टिंग कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ना आज का जो लेक्चर है इसमें हमने कुछ एग्जांपल देख ली, हमने अपने वर्स्ट केस की देख ली, बिग ओ किस तरह से फाइंड करते हैं, और हमने डिवाइड एंड कंकर टेक्निक को देखा, उसकी एक एग्जांपल ही मर्ज सॉर्ट की। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने मर्ज सॉर्ट को एनालाइज करेंगे कि मर्ज सॉर्ट की कंप्लेक्सिटी कैसे निकल सकती है, यानी हम उसका एल्गोरिदम लेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि उसका वर्स्ट केस हमारे पास क्या आ रहा है या क्या आ सकता है हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और सेकेंडली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आपको उसका ऑटोमेटिकली जो है उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।